ये है दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हमारे पास ओप्पो एनको डब्ल्यू 11 है, आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी यहाँ पे ईएस में लगा चुका हूँ। प्राइस के 2500 रुपीज़ समथिंग कुछ है। मेरे पास दूसरी तरफ ओप्पो एनको M31 ब्लूटूथ नेकबैंड है। इसके जो प्राइस है अप्रॉक्स 2300 रुपीज़ समथिंग अभी हो चुके हैं। लॉन्च हुए थे 2000 में, बट अब इनकी प्राइस थोड़ी बढ़ा दी गई है। और आज के वीडियो में दोनों का डिटेल कंपेरिजन करने वाला हूँ कि एक्चुअल में एज पर प्रैक्टिकल लाइफ के अकॉर्डिंग इन दोनों में से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। जितने भी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है सबके मैं कवर अप करने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बट सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन वहाँ पे ऑल को सेट करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। तो चलिए चेक करते हैं कि एक्चुअल में डेली यूजबिलिटी के हिसाब से अगर आप एक प्रैक्टिकल इंसान है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक्चुअल में उसके पास टू लेवल्स ईयरबड्स हैं या फिर ब्लूटूथ नेकबैंड है, तो इन दोनों में से क्योंकि प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही है तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो चलिए बात करता हूँ सबसे पहले इसके कॉलिंग डिपार्टमेंट की। तो कॉलिंग के अंदर वैसे दोनों ने क्लेम किया है, चाहे पे ओप्पो डब्ल्यू 11 हो या फिर ये ब्लूटूथ नेकबैंड हो ओप्पो M31, दोनों के अंदर आपको नॉइस कैंसिलेशन क्लेम किया गया है कंपनी ने कि यस आपको देखने को मिलेगा। तो यस फॉर कॉलिंग पर्पज आप इजीली ओप्पो एनको M31 को यूज़ कर सकते हैं। इनडोर कंडीशन हो चाहे पे आउटडोर कंडीशन हो, दोनों के अंदर प्रॉपर वर्क कर रहा है, जो नॉइस कैंसिलेशन है प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और मैंने इनका एक लाइव कॉलिंग टेस्ट किया है, कंपैरिजन किया है एक्चुअल में बाकी जो मार्केट में ब्लूटूथ नेकबैंड है उनसे कंपेयर किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। अगर तो ओप्पो एनको डब्ल्यू 11 की तो कंपनी ने क्लेम तो किया है नॉइस कैंसिलेशन है, बट इंडोर कंडीशन में आप मैनेज कर पा रहे हैं। जैसे मैं बाहर निकालता हूँ आउटडोर कंडीशन में आपकी जो आवाज़ है वो क्लियर जाना बंद हो जाती है। इवन जो नॉइज़ कैंसिलेशन भी है वो भी मुझे प्रॉपरली वर्क करता नज़र नहीं आया है। और आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, अंडर 3000 चाहे पे कंपनी कितना भी क्लेम कर दे कि टूली वाले ईयरबड्स के अंदर आपको ये वाला नॉइज़ कैसे देखने को मिला है, ये वाला नॉइज़ कैसे देखने को मिलता है, रियलिटी में चीज़ें बहुत डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे टूली वाले ईयरबड्स सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा जितने भी टूली वाले ईयरबड्स है अंडर 3000 कैटेगरी बात करता हूँ, आपको उनमें कॉलिंग एक्सपीरियंस किसी में अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको यहाँ पे अच्छा है तो कॉलिंग एक्सपीरियंस चाहिए, डेफिनेटली ओप्पो एनको M31 बेटर ऑप्शन है कम्पेयर टू ओप्पो एनको डब्ल्यू 11। बात करता हूँ इसके अलावा कंफर्ट की, तो वैसे दोनों काफ़ी कंफर्टेबल है, बट अगर आप मान लीजिए आप डेली यूजेबिलिटी आप यूज़ करना चाहते हैं या फिर कुछ लोग रिक्वायरमेंट होती है उन्हें रनिंग के हिसाब से यूज़ करना होता है, जिम के अंदर यूज़ करना होता है, एक एथलीट टाइप के लोग होते हैं, तो आपको चीज़ क्लियर कर देता हूँ, आप इनको थोड़ा बहुत अगर बात करते हो ओप्पो एनको डब्ल्यू 11 की तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, जिम के साथ यूज़ कर लेंगे, बट इतने कंफर्टेबल नहीं है, चांसेस है कि ईयर से जल्दी से फॉल आउट होकर नीचे गिर जाएंगे। और अगर आप मान लीजिए आउटडोर कंडीशन में रनिंग कर रहे हैं, इन केस अगर ये ईयर से निकल के गिर जाते हैं और आपको फील नहीं होता है तो इनको ढूंढने का चांस ऑलमोस्ट ना के बराबर है, ये वापस मिलने वाले नहीं है। मैं बात करता हूँ ओप्पो एनको M31 ब्लूटूथ नेकबैंड की, जहाँ पे एडवांटेज क्या होता है, पहली चीज़ तो इसके दोनों ईयर्स में इजीली फिट हो जाते हैं, इन केस अगर एक निकल के गिरता भी है आपके नेक से गिर के कहीं नहीं जाते हैं, दोनों अगर गिर भी जाते हैं तो भी आपके नेक में ही रहेंगे, तो इनके खोने के चांस काफ़ी कम है। एडिशनल इनको रखने में कोई दिक्कत नहीं आती, आपको यूज़ कर रहे हो आप ईयर्स में लगा लीजिए, आप यूज़ नहीं कर रहे हो आप सेपरेट कर दीजिए, आपको मैग्नेटिक बड्स मिलते हैं, आप इजीली बिना यूज़ करते हुए अपना काम कर सकते हैं, आपको वापस यूज़ करना है आप डायरेक्टली यहाँ से वापस अपने ईयर्स में पुट इन कर सकते हैं। बाकी तो टूटी वाले ईयरबड्स की या फिर ओप्पो एनको डब्ल्यू 11 की अगर आपको यूज़ कर रहे हो आपको ईयर्स में लगा रखना पड़ेगा, अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो सेपरेट ही रखना है, तो आपको उसको निकालना पड़ेगा, इस चार्जिंग केस को खोलना पड़ेगा, फिर चार्जिंग केस को अपने पॉकेट में रखना पड़ेगा, तो आपको 2-3 स्टेप्स करने होते हैं। और अगर इजी वे की बात कर रहा हूँ तो आई थिंक ओप्पो एनको M31 बेटर है, आपको कुछ नहीं करना है, आपने निकाला रखा यूज़ करना वापस से पहन के कंटिन्यू कर दीजिए, तो आई थिंक यहाँ पे कंफर्ट के हिसाब से डेली यूजेबिलिटी के हिसाब से ज़्यादा बेटर ऑप्शन, काफ़ी लाइट वेट तो है ही, आप इजीली जिम के साथ यूज़ कर सकते हैं, रनिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं और खोने के चांस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। प्रैक्टिकल लाइफ के अकॉर्डिंग बहुत सही डिज़ाइन किया गया है ओप्पो एनको M31 को कम्पेयर टू ओप्पो एनको डब्ल्यू 11। और एडिशनली दोनों के अंदर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, कोई शिकायत नहीं है। कंट्रोल्स की बात करता हूँ तो डेफिनेटली कंट्रोल्स में ज़्यादा एडवांटेज होता है, आपको यहाँ प्रॉपर बटन मिलते हैं, 3 सेपरेट बटन दे दिए गए हैं, आप इजीली सॉन्ग को नेक्स्ट प्रीवियस सब कुछ कर सकते हैं, कॉल कट रिसीव कर सकते हैं, आप यहाँ पे स्विच भी कर सकते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर, डेफिनेटली कंट्रोल्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं ओप्पो एनको डब्ल्यू 11 कंट्रोल मिलते हैं। बट अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको 2-3 बार टैप नंबर गेम आपको याद रखना पड़ता है, जो कि यहाँ पे आपको ब्लूटूथ नेकबैंड में नहीं होता है। तो चाहे पे कॉलिंग हो, चाहे पे कंट्रोल्स हो, चाहे पे कंफर्ट हो, ओप्पो एनको M31 वे बेटर है कंपेयर टू ओप्पो एनको डब्ल्यू 11। एडिशन बात करता हूँ म्यूजिक डिपार्टमेंट की, तो म्यूजिक के अंदर आई थिंक यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट ब्लूटूथ नेकबैंड है, अंडर 2000 अंडर 3000 ओप्पो एनको M31 आपको LTAC ब्लूटूथ ऑडियो कोडेक दे दिया गया है। और जो म्यूजिक एक्सपीरियंस है, इवन जो ड्राइवर्स है 9.2 mm के दिए गए हैं, इसमें आपको 8 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं। और जब बात आती है म्यूजिक की तो आई थिंक यहाँ पे ओप्पो एनको M31
मैंने आपको अच्छा खासा बेस एक्सपीरियंस दे रहे हैं, डीप बेस मिल जाता है, एडिशन जो बैलेंसिंग है प्रॉपर दी गई है, हर एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर अलग अलग आवाज़ आती है, और थर्ड जो क्लियरिटी है वो आपको प्रॉपरली देखने को मिल जाती है। तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट था ही नहीं, अगर मैं अंडर 3000 की बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस ओप्पो एनको M31 दे रहे हैं। अगर मैं म्यूजिक की बात करता हूँ तो 10 में से इजीली मैं इसको 8 की रेटिंग दे सकता हूँ एज पर प्राइस, बहुत अच्छा परफॉर्म करके जा रहे हैं। मैं बात करता हूँ ओप्पो एनको W11 की, तो यहाँ पे ड्राइवर का साइज छोटा था, इवन बीच बीच में बैलेंसिंग में थोड़ा लैग कर रहे थे, और जो बेस है वो आपको मिलता है बट क्योंकि ड्राइवर का साइज छोटा है तो यहाँ पे इतना लाउड बेस नहीं मिलेगा। इवन जो म्यूजिक है वो भी आपको लगेगा कि थोड़ा सा लाउड होना चाहिए था। यहाँ पे ओप्पो एनको W11 का जो म्यूजिक एक्सपीरियंस है एज पर प्राइस में बात करता हूँ 2500 रुपये, इससे महंगा है, बट स्टिल यहाँ पे मुझे म्यूजिक एक्सपीरियंस ने बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं किया। मैं मैक्सिमम 10 में से 5.5 या 6 की रेटिंग एज पर प्राइस इसको दे सकता हूँ। लास्ट बात करता हूँ बैटरी डिपार्टमेंट की, तो बैटरी के अंदर सिंगल चार्ज में कंपनी ने क्लेम किया आपको ये 5 आवर्स का बैटरी बैकअप दे देंगे, वहीं पर ओप्पो एनको M31 8 आवर्स से 12 आवर्स का बैटरी बैकअप देते हैं। अगर आप LDAC ब्लूटूथ ऑडियो कोडेक पे सुनने वाले हैं तो आपको यहाँ पे 8 आवर्स का इस पर बैटरी बैकअप मिलता है, रियलिटी के अंदर आपको मान लीजिए 7 आवर्स का साथ मिलेगा। अगर आप नॉर्मल SBC पे सुनोगे तो हो सकता है आपको 12 आवर्स का मैक्सिमम मिल जाए, तो आप 7 आवर्स से 9 आवर्स का बैकेट ले लीजिए, सिंगल चार्ज में रियलिटी में दे देंगे। और ओप्पो एनको W11 अभी मैंने यहाँ पे बैटरी टेन टेस्ट किया था, 70% वॉल्यूम पे सुना था, तो आपको यहाँ पे 4 घंटे ऐसे बैटरी बैकअप दे देते, मैक्सिमम आप 4.5 घंटे का मान लीजिए, तो डेफिनेटली बैटरी में भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज है ओप्पो एनको M31 को। इसके बाद बात करता हूँ गेमिंग डिपार्टमेंट की, तो गेमिंग के अंदर भी जो लेटेंसी है मुझे ओप्पो एनको W11 में ज़्यादा देखने को मिली है कंपेयर टू ओप्पो एनको M31। दोनों को मैं बेस्ट नहीं कहूँगा, अगर आपको बेस्ट लेटेंसी चाहिए हमेशा मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि वायर वाले हेडफोन या फिर आप ईयरफोन रिकमेंड कीजिए, आपके लिए वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कंपेयर टू ब्लूटूथ नेकबैंड या फिर ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स। तो आई थिंक हमने यहाँ पे साइज से जो कैटेगरीज होती है सबके सब कवर अप कर लिए हैं। बाकी तो मेरे फाइनल वर्डिक्ट की, तो आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एक्चुअल में आप यहाँ पे अंडर 3000 चाहे पे कोई भी ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स परचेस कर लें, आपको उनके अंदर ना तो अच्छा खासा क्वालिटी एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, ना ही आपको अच्छा खासा म्यूजिक एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, इवन जो बैटरी है उसमें थोड़ा बहुत लैग करते हैं। मैं कहूँगा आप एक प्रैक्टिकल लाइफ के लिए जाइए, आपको ज़्यादा कंफर्टेबल ऑप्शन है, एक अच्छा म्यूजिक कॉलिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा रहे हैं, बैटरी अच्छी, कंट्रोल्स प्रॉपर दिए गए हैं, आप जिम के अंदर यूज़ कर सकते हैं, आउटडोर कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, और प्रैक्टिकली सोचा जाए तो आई थिंक यहाँ पे ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स अंडर 3000 काइंड ऑफ मनी वेस्टेज होता है, इससे बेटर ऑप्शन है आप डेफिनेटली एक अच्छा खासा ब्लूटूथ नेकबैंड प्रीफर कर सकते हैं। और आई थिंक ओप्पो एनको M31 बहुत अच्छा परफॉर्म करके जा रहा है कंपेयर टू ओप्पो एनको W11। आपको प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कुछ परचेस करना है डेफिनेटली मैं ओप्पो एनको M31 को रिकमेंड करूँगा। ओप्पो एनको W11 मुझे बहुत सारे इशू देखने मिले हैं तो मैं इसको रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा होगा। इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बस इतना ही, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के बेस्ट परचेस प्राइस लिंक अवेलेबल है, साथ ही वहाँ पे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिंक भी मिल जाएंगे, हो सकता है थोड़ी आपकी हेल्प हो जाए, थोड़े आपको रुपये बच जाए, तो एक बार वो जरूर चेक कर लीजिएगा। इस टाइम पर अपना ख्याल रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर।